मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, MPs, MLAs, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है, हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए एक साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब, तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी, आज तेलंगाना से आए हैं। ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है, ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है, आप ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ, तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच रहे थे दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई, किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया, हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का,
पानी का इंतजाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतजाम करने का। तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस पे इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी मूंग, जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार MSP देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर MSP दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है, वो सारे काम भी करेंगे। यहाँ पे पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलके एक मॉडल के रूप में पूरे देश ने, पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होके कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद।